पास एक नया हेलीकॉप्टर स्काई स्टार रेडियो कंट्रोल हेलीकॉप्टर, एंड ये वाला हेलीकॉप्टर गाइस मार्केट में बिल्कुल नया नया लॉन्च हुआ है। आप सोचोगे वीडियो देखने के बाद कहीं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके देख लूँ, तो यार ये वाला हेलीकॉप्टर आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। स्काई स्टार हेलीकॉप्टर अगर आपको बाय करना है तो आपको बस एक ही जगह से आप बाय कर सकते हो, वो है मीशो। एंड मीशो पे भाई एक सेलर है जिनके पास आपको मिलेगा, जहां से मैंने ये परचेज करा है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये हेलीकॉप्टर महंगा नहीं है, काफी सस्ता है। आप इस हेलीकॉप्टर को आराम से 1300 रुपये के आसपास बाय कर सकते हो। मैंने भी 1300 रुपये में इस हेलीकॉप्टर को बाय करा है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाकर के आप भी बाय कर सकते हो। एंड ये वाला हेलीकॉप्टर कुछ कुछ वेलोसिटी जैसा है, देख सकते हो आप लोग, कुछ कुछ इसका जो डिजाइन है वेलोसिटी जैसा है, ठीक है। बट मुझे वेलोसिटी से थोड़ा ठीक लग रहा है, बट देखने क्या कुछ होगा, क्योंकि इसके जो कंट्रोल है उसमें मुझे काफी सारे नए नए ऑप्शन देखने को मिले। जैसे यहाँ पर गाइस पावर स्विच तो होता ही है, ठीक है, सब में। इसमें एक वन बटन स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ गाइस थ्रॉटल स्टिक तो सब में होती है, फ्रीक्वेंसी भी आपको उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। पावर लाइट ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, वेलोसिटी के अंदर। लेफ्ट एडजस्टमेंट ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट एडजस्टमेंट ऐसा कुछ फीचर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें होने वाली है, ठीक है, और काफ़ी सस्ता भी है। 1300 रुपये में क्या ही मिलता है, ठीक है। 1300 रुपये में आपको ये रेडियो कंट्रोल हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर वहां से बाय कर सकते हो। बाकी मैं फटाफट इसकी करता हूँ अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ होने वाला है इसके अंदर कंटेंट, और फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं बाहर, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रिमोट आ जाता है बाहर की साइड, ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कुछ अलग ही प्रकार का रिमोट है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। रिमोट बेसिकली मेड इन चाइना है, और यहाँ पर ये बटन्स हैं लेफ्ट राइट करने के लिए, और ये ऊपर नीचे करने वाले थ्रॉटल, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिए गए हैं यहाँ पर ऑन ऑफ का, ठीक है, और ये कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि न्यू है इसके लिए, बाकी मैं आगे बात करूँगा। और ये यहाँ पर एक चार्जिंग केबल आपको देखने को मिल जाती है, जिससे आप लोग हेलीकॉप्टर को चार्ज कर सकते हो। बाकी मैं इन्हें साइड में करता हूँ, ठीक है, और आगे बात करते हैं। गाइस हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ पर बाहर आ चुका है इस तरीके से है, और बाकी मैं इसे बाहर निकालता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। करते अपने हेलीकॉप्टर की, तो यार ये हमारा हेलीकॉप्टर, जिसमें आप पीछे के साइड आपको एक की मिल जाएगा फैन, जो कि वर्क नहीं करेगा, मतलब ऐसे ही है, ठीक है। उसके साथ साथ ये इसकी जो बॉडी है गाइस देखने में काफ़ी तगड़ी लग रही है, ठीक है। मेटेलिक फिनिशिंग है, जैसे कि वेलोसिटी में दिया गया था, और यहाँ पर ड्राइविंग करके लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर के नज़र देखने को मिला था एज इट इज़ वैसा ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीछे की साइड आपको ये कुछ सेंसर मिल जाएगा, इस साइड आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए मिल जाएगा, देख सकते हो, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो आराम से अपने घर से, घर के किसी भी यूएसबी केबल से आप इसे चार्ज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक स्विच है, इसे क्लिक करते ही आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। इस तरीके से लाइट ब्लिंक करने लगेगी, ब्लिंक नहीं करेगी, यहाँ पर इस तरीके से लाइट जलने लग जाएगी। बाकी मैं इसे ऑफ करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर हम डालते हैं सेल, और फिर आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। गाइस हम फटाफट इस छोटे से स्क्रू ड्राइवर से इसे खोल लेते हैं, एंड इसे निकालते बाहर। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर ना हो ये छोटा रहा, क्योंकि ये आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोग यार मतलब चाकू वगैरह की मदद से आराम से खोल सकते हो। इसमें ये चीज़ सही लगी यार, तीन ही बस इसमें आपको सेल डालेंगे यार, बाकी वेलोसिटी वगैरह 6 सेल होते हैं। जो कि रिमोट हमारा तैयार है, ठीक है, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ऑन ऑफ, ठीक है, ये भी ऑन है, बाकी यहाँ पर अभी ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग गया, 5 सेकंड से 5 या 10 सेकंड आपका लग गया दोनों को कनेक्ट होने में, और ये देखो कनेक्ट हो चुका है। जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। सो गाइस दोनों हो चुके हैं कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर गाइस जैसे आप इससे इस थ्रॉटल को ऊपर करोगे, या आपको जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ने लग जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, मैं इसे उड़ा नहीं रहा क्योंकि मैं घर के अंदर हूँ, एंड मज़ा जब भी आएगा जब हम इसे बाहर चल के उड़ाएंगे, ठीक है, इससे ये बाकी यार इस वाले हेलीकॉप्टर की जो पावर है मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी, मुझे लगता है ये वेलोसिटी से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा। बाकी हम बाहर चलेंगे और देखते हैं यार कैसी परफॉर्मेंस दे पाता है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं बाहर अपने इस स्काई स्टार हेलीकॉप्टर को लेकर के, एंड यहाँ पर हम करेंगे इसका फ्लाइंग टेस्ट, बैटरी बैकअप कितना देने वाला है, कंट्रोल इससे क्या कुछ और कैसे वर्क करने वाला है, वो सब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, और पूरा इसका रिव्यू करेंगे। तो मज़ा काफ़ी ज़्यादा वीडियो के अंदर आने वाला होगा, मेक श्योर अभी वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। अगर आपको ये बाय करना है प्रोडक्ट तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, या फिर लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के बाय भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, करते इसका फ्लाइंग टेस्ट। इस फटाफट हम इसे ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के लिए करना कुछ नहीं, यहाँ पर ये छोटा सा बटन दिया गया, इसे बस आगे की तरफ आपको करना है और ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते इस तरीके कुछ लाइट यहाँ पर जलने लग जाएगी, ठीक है। और रिमोट को ऑन करने के लिए करना कुछ नहीं, यहाँ पर रिमोट के अंदर एक ऑन ऑफ का स्विच इसे ऑन करना है, ठीक है, और स्टार्ट हो जाएगा। बाकी
मुझे उनके प्लीज तो गाइस मैंने इस वाले हेलीकॉप्टर के सभी टेस्ट कर लिए, ठीक है। ओवरऑल ये हेलीकॉप्टर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। बातला हेलीकॉप्टर आपको आराम से 1250 में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक मैं दे दूंगा, जाकर के आप बाइक कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी बैकअप की, तो आराम से 10 से 15 मिनट का आराम से अच्छा खासा बैटरी बैकअप देता है, जो कि काफ़ी सही लगा मुझे। वेल की बात करूँ तो कंट्रोल इस हेलीकॉप्टर के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। वेलोसिटी के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको परचेस करना होगा तो ज़रूर से परचेस कर लेना, ठीक है। वेलोसिटी करने की सोच रहे हो तो वेलोसिटी मत करना, इसे कर लेना, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप ज़रूर से बाइक कर सकते हो। बाकी यार कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं, बाइक करने के लिए लिंक पर क्लिक करना है, मीशो खुलेगा, ठीक है। मीशो पर जाकर के आपको प्रीपेड ऑर्डर करना है, यानी ऑनलाइन पेमेंट करनी। ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हो तो ये वाला जो हेलीकॉप्टर आपको 1250 का मिल जाएगा। अगर फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, परचेज करो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताओ, और कोई कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।